वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे रियलमी X7 मैक्स 5G जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 12 और रियलमी UI 3.0 का जो अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म है वो यहाँ पर आपको लाइव हो चुका है। तो किस प्रकार से आपको इस बीटा फॉर्म को अप्लाई करना है आपके डिवाइस में, एंड यहाँ पर किन यूजर्स को ये अपडेट आपके डिवाइस में आपको इंस्टॉल करना चाहिए, किन यूजर्स को इस अपडेट को मिस करना चाहिए, एंड यहाँ पर आपको इस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस में क्या कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पर इससे रिगार्डिंग और भी सारी कुछ जानकारी इसी वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर हमारे यूट्यूब चैनल में आपने तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं रियलमी X7 मैक्स जो 5G डिवाइस है, इस डिवाइस के एंड्रॉइड 12 और रियलमी UI 3.0 का जो बीटा फॉर्म है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको आपके डिवाइस में जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है। वहाँ पर आप जाओगे तो आपका जो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए आपके डिवाइस में इस बीटा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, उसका लास्ट में आपको वर्जन चेक करना 8.21 का यहाँ पर आपको वर्जन चेक करना है। अगर आपका डिवाइस 8.21 पर अपडेटेड है तो यहाँ पर आपको ये बीटा फॉर्म आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक बीटा वर्जन रहता है। इस अपडेट को आप अगर आपके डिवाइस में बीटा फॉर्म अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आपके डिवाइस में बीटा अपडेट आता है तो उसे इंस्टॉल करते हैं, तो इस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, जैसे बैटरी ड्रेन इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, हैंगिंग इश्यूज, और यहाँ पर आपके डिवाइस में जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उनमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप कुछ बिजनेस हैंडल करते हैं आपके डिवाइस से तो आप इस बीटा अपडेट को मिस करके आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर सकते हैं, अन्यथा आप टेस्ट के हिसाब से इस अपडेट को आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, इस फॉर्म को आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आपको आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट में होंगे तो आपको यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर पर सेटिंग का आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन शो होगा, ट्रायल वर्जन पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको बीटा लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ पर अर्ली एक्सेस बीटा वो आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो कुछ सेकंड्स देखने को मिलेंगे वहाँ पर आपको कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। फिर वहाँ पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो वहाँ पर आप ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालोगे तो वहाँ पर नीचे सबमिट कर देना है। फिर आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन सबमिटेड। अगर आपका जो फॉर्म है वहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो यहाँ पर आपका जो अंडर व्यू में फॉर्म चले जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 5GB के आसपास एक बीटा अपडेट की फाइल देखने को मिलेगी आपके डिवाइस में। उस फाइल को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका डिवाइस 60% चार्ज होना चाहिए और 10GB की फ्री स्पेस भी होना चाहिए। आपका डिवाइस में जो भी पर्सनल डाटा है उसे आपको कॉपी करके रख लेना है, जैसा ऑडियो वीडियो और भी कुछ डाटा है तो उसे आपको कॉपी कर लेना है। एंड्रॉइड 12 और रियलमी UI 3.0 का जो बीटा अपडेट है उसे इंस्टॉल करने से पहले अगर आप इस अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं तो आपका डाटा भी क्लियर हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बने तो चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।